जो नहीं है उसे संभाल के रखने से जो दुख है उसी को आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। जो नहीं है, जो नहीं संभाल के रखा जा सकता, इसे आदि व्याधि उपाधियों में उपाधि की कितनी चिंता है, बनी रहे उपाधि, उपाधि बनी रहे। कुछ लोग टाइटल के लिए मरते रहते हैं। आप अपने में पूरे हैं, लेकिन जब तक श्री श्री दो चार बार श्री न लगे तब तक व्याकुलता सी रहती है। मैं खाली साधु पीठाधीश्वर नहीं, मैं खाली सन्यासी हूं। कोई भूषण भास्कर कुछ बड़ा, ये दुर्बलताएं मेरे आसपास में भी नहीं होंगी। उपाधि, उपाधि से रहित आपको बोला जाए तो कष्ट होता है। उपाधि भी है, सीधा नाम लो तो लोग धीरे से कान में सरक आते हैं कि नहीं नाम तो ठीक ले, पर प्रधान जी भी हैं, अच्छा ये ट्रस्टी भी हैं, अच्छा तो फिर बताना पड़ता है। उपाधि, जितना हम उपाधियां संभाल के रखेंगे, और वो संभाल कर रहती नहीं, क्योंकि देह भी एक उपाधि है, ये भी संभाल कर नहीं रखी जा सकते। अभाव के दुख अज्ञान से बड़े होते जाते हैं। एक दुख है फेक, झूठ मूठ का, मिथ्या मायावी, जो है ही नहीं, एक दुख है। एक भय है जो है नहीं, बना हुआ है। एक अवसाद है, एक द्वंद है, एक व्याकुलता है, एक असहजता है। ये आध्यात्मिक क्लेश है जो अज्ञान से पैदा होते हैं। इनको कहेंगे अभाव के दुख। वाहन तो है पर बड़ा नहीं है, बड़ा तो है पर उतना महंगा नहीं है, अब महंगा तो है पर सबसे महंगा नहीं है, वो नहीं है। भवन वैसा हो तो भवन वाहन भूमि विस्तार आभूषण पद, और बड़ा पद पद है पर प्रतिष्ठित नहीं है, ख्यात नहीं है, चर्चित नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ तो है, बड़े तो हो गए पर शिखरस्थ नहीं है, शिखर पे तो पहुंच गए शीर्षस्थ नहीं है, शीर्षस्थ हो गए प्रथमस्थ नहीं है। आई एम नॉट फर्स्ट, मैं हूं तो सही, तीन चार में मैं भी एक हूं, पर मैं तीन चार में क्यों रहूं? मैं पहले पांच में तो हूं पर मैं पहला क्यों नहीं हूं? आध्यात्मिक क्लेश, अभाव का दुख। भागवत सुनने के बाद अवसाद नहीं रहता, भय नहीं रहता, भ्रम भी नहीं रहता। जो सदा के लिए मिट जाती हैं उनका नाम चिंता है। और मुझे अन्यथा मत लेना, व्यक्ति इस दिशा में श्रम नहीं करना चाहता। साधकों का अगर इस दिशा में श्रम हो कि हमें अपने भ्रम भय अल्पता न्यूनता अभाव मानसिक रोग क्लेश द्वंद, एक और चीज उसका नाम है अज्ञात भय को मिटाना है, तो यह विचार से संभव है, आध्यात्मिक प्रयोग से संभव है। भागवत का पहला श्लोक कहता है तापत्रय विनाशाय। अरे क्या बात लिखते हैं महर्षि वेदव्यास, कितनी बड़ी बात है। भागवत का पहला श्लोक कहता है कि आओ पहले इन तीन दुखों को मिटाओ, उठो जगो, संकल्पित हो आप कि ये पहले तीन दुख मिटने चाहिए हमारे, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, अथवा दैहिक दैविक भौतिक तापा। ज्ञान में उठो,
चरैवेति, ज्ञान में चैतन्य होकर अपने उत्कर्ष के लिए खड़े हो जाओ। तो जो ज्ञान में खड़ा हो गया है वही चैतन्य है। उत्तिष्ठत जागृत, ये वेद का मंत्र है। ध्यान रखना, जो बैठ गया है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो लेट गया है उसका भाग्य भी सो गया है। तो भाग्य किसका खड़ा हुआ है? जो खड़ा हो गया है ज्ञान में। आपको ज्ञान में खड़ा होना है, अपने विवेक में, अपने आत्म प्रकाश में। आपको मिटाने अपने संशय। दूसरे तो पदार्थ ले देकर आपको प्रसन्न करना चाहेंगे, उपहार ले देकर, आपकी प्रशंसा करके, भूमि वाहन भवन देकर, कुछ महंगे वस्त्र देकर, आपके लिए खूब अच्छी अच्छी बातें सुनाकर, आपके दुख नहीं छीन पाएंगे। वो पदार्थ, उपहार, भवन, वाहन, भूमि विस्तार, भूमि विस्तार, गगनचुंबी अट्टालिकाएं आपको मोमेंट्री प्लेजर दे सकते हैं, क्षणिक। इसे उठे, वेद कहता है चरैवेति, अपने ज्ञान में उठ जग, अपने आप को पहचान। प्राप्य वरान्यबोधत, ये दुख की जड़ है कहां, वहां ढूंढ, खुद से, स्वयं से। जो अभी दुखी हुआ किस कारण हुआ? अभी जो मैं दुखी हुआ, अभी तो एक बच्चे को हम रोते हुए देख लेते हैं, दो बच्चे बैठे, एक को गोद में उठा, दूसरा रो पड़ा, भाई ये क्या हुआ, ये तो रो पड़ा बच्चा। वो जन्म जाते हैं हमारे भीतर, वंशानुगत है ये दुख, जो अज्ञान से है, जो भ्रम से है, भय से है, हमने वहां श्रम नहीं किया है। तापत्रय विनाशाय, तो ये किससे मिटेगा? श्री कृष्णाय वयम नमः। महर्षि वेदव्यास भागवत का श्लोक लिखते हुए बहुत पारमार्थिक प्रयोग करने लगे कि ये मैं दिया जला तो रहा हूं पर इस सब के लिए। अच्छा, दिए का अर्थ भी यही है, भले ही अपने लिए जलाओ, भले ही स्वयं के लिए जलाओ, पर वो तो बहुत सों के लिए है, न जाने कितनों के लिए। आप भले ही कहते रहो मेरा दिया है, मेरा दीपक है, मैंने जलाया, मेरी तेल बाती, ये तेल मेरा, ये बाती मेरी, ये दीपक मेरा। हाँ, हो सकता है दीपक आपका हो, तेल आपका हो, बाती आपकी हो, वो तो आप ही के हैं, लेकिन उसमें से जो प्रकाश प्रकट हुआ है वो आपका नहीं है, वो परमात्मा का प्रकाश है, वो उसका प्रकाश है, और उसकी प्रकृति सबके लिए है। तेल तो आपका ही है, बाती भी आपकी, दिया भी आप ही लाए हैं, पर जैसे उससे प्रकाश आया वो सबका हो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम करते हम सब, वयम रक्षाम, वयम रक्षाम, हमारी रक्षा कर, हमारे साथ रहे, हम पर कृपा कर, हमारी ओर देख, हमारा साथ न छोड़। ये भाषा बहुत दिनों के बाद बनती है व्यक्ति की, अन्यथा तो एक ही भाषा रहती है, मेरा कल्याण कर, मेरी ओर देख, मेरा भला कर। लेकिन हम सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो पारमार्थिक भाषा है। लोका समस्ता, एक किसी बड़े बहुत बड़े विद्वान की व्याख्या में ये पढ़ रहा था कहीं, वो कहते हैं ऋषियों का चिंतन तो देखो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, एक लोक नहीं जितने लोक हो सकते हो उनमें सुख पैदा हो। पर होगा कैसे? सुख का साधन एक ही है और दूजा नहीं है। सुख का एक ही साधन है
और वह आध्यात्मिक विचार। आओ विचार करें, आओ संवाद करें, आओ सच की ओर चलें। इसलिए ऐसा कहते हुए शास्त्र कहते हैं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। ये तो दुखी करती रहेंगी चीजें, व्यक्ति वस्तु पदार्थ दृश्य घटनाएं, दिन भर दुखी होते रहे। और दुख से निकलने के कुछ प्रयोग करें। असतो मा सद्गमय, हे ईश्वर मुझे सत्य की ओर धकेल, मुझे ले चल सच की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अज्ञान कोठरी में से निकाल, मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मैं देख सकूं, सही पहचान सकूं। मृत्योर्माम अमृतम गमय, मैं रहूं और लंबे समय तक, लेकिन मुझे अमृत की ओर लेकर चल।